भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अभी इरफान खान की मौत के सदमे से उबर ही नहीं पाई थी कि अब दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया है। गुरुवार 30 अप्रैल को ऋषि कपूर ने मुंबई के एच एन रिलायंस अस्पताल में आखिरी सांस ली। ऋषि लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और करीब साल भर तक उन्होंने न्यूयॉर्क में भी अपना इलाज कराया था। उनके निधन की खबर सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने दी। इस खबर से अमिताभ बच्चन को बहुत दुख हुआ है। इस बात से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, इस बात का अंदाजा उनके इस ट्वीट से लगाया जा सकता है। ऋषि कपूर के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने गुरुवार सुबह करीब 9:32 पर ट्वीट करके उनके दुनिया छोड़ने की खबर दी। अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा, वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, अभी उनका निधन हो गया, मैं तबाह हो गया हूँ। अमिताभ ऋषि कपूर के जाने से शोक में हैं। ऋषि कपूर और अमिताभ काफी करीबी थे। बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ हर आम व्यक्ति ऋषि कपूर के निधन पर शोक जता रहा है। एक्टर के गुजर जाने पर बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सलमान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि कहा सुना माफ चिंटू सर। ऋषि कपूर को लेकर सलमान खान का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स के खूब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सलमान खान ने ट्वीट किया, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे चिंटू सर, कहा सुना माफ, शांति और प्रकाश परिवार और दोस्तों के लिए। सलमान खान ने इस तरह अपना रिएक्शन दिया है। मीडिया में कई बार ऐसी खबरें वायरल हुई थी जिसमें सलमान खान और ऋषि कपूर के बीच तकरार की बात कही गई थी। सलमान खान और ऋषि कपूर ने ये है जलवा फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने उनके पिता की भूमिका निभाई थी। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में ताला लगा दिया है। 30 लाख से ज्यादा लोग बीमार हैं तो 2 लाख से ज्यादा मारे जा चुके हैं। उधर अब खबर आ रही है कि चीन के उसी वुहान शहर के उसी लैब में कोरोना जैसे 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस हैं। वायरस का ये जखीरा उसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में रखा है जहां से कोरोना का ये वायरस फैला था। खबरों के मुताबिक चीन के उस लैब में मौजूद 1500 से ज्यादा वो जानलेवा वायरस हैं जिन पर बाकायदा रिसर्च चल रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर कोरोना के वायरस की तरह बाकी वायरस भी लैब से बाहर निकल आए तो क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिक्र और गुस्सा यूं ही नहीं है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच ऐसी तमाम रिपोर्ट आ रही हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि चीन के जिस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से कोरोना वायरस के निकलने की बात की जा रही है, वहां दरअसल 1500 से ज्यादा वायरस को पाला जा रहा है। दावे के मुताबिक इस लैब के एक बड़े फ्रिज में इन जानलेवा वायरस का एक बैंक बना हुआ है जहां इन्हें सहेज कर रखा गया है। हालांकि लैब में इन वायरस पर रिसर्च हो रही है, मगर सवाल ये है कि दुनिया पर महामारी लाने वाले इस वायरल को आखिर यहां जमा ही क्यों किया गया है? ये अगर लीक हो गए तो दुनिया भर के लिए नया खतरा बन सकते हैं। ऋषि कपूर ने गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बॉलीवुड के कई अभिनेता नेता समेत कई बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने लिखा कि यह हफ्ता भारतीय सिनेमा के लिए काफी दुखद होने वाला है। एक और लेजेंड ऋषि कपूर आज हमारे बीच से चले गए। एक शानदार अभिनेता जो हर जनरेशन के लिए प्रेरणादायी थे। देश के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऋषि कपूर के जाने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि ऋषि कपूर का अचानक चले जाना काफी हैरान करने वाला है। एक शानदार अभिनेता के साथ साथ एक शानदार इंसान भी थे। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसा लगता है कि हम एक बुरे सपने के बीच में हैं। ऋषि कपूर के जाने से बड़ा झटका लगा है, ये दिल तोड़ने वाला है। वो महान थे, एक शानदार दोस्त थे। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऋषि कपूर के साथ एक तस्वीर साझा की है। प्रियंका ने लिखा कि दिल भारी है क्योंकि आज एक सदी खत्म हो गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर ये है कि एक दवा जिसे इबोला को खत्म करने के लिए बनाया गया था, वह कोरोना वायरस के मरीजों को ज्यादा जल्दी ठीक कर रही है। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दवा की सफलता से कोरोना को हराने के लिए हमें नई उम्मीद मिल गई है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउसी ने भी इस दवा की तारीफ की है। इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। इस दवा की बदौलत कोरोना मरीज 31% ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर एंथनी फाउसी ने कहा कि यह वाकई में जादुई दवा है। इसकी वजह से मरीजों को जल्दी ठीक होना, मतलब हम इस दवा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर फौसी ने यह बात व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने मीडिया से कही।